नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जनरल अफेयर्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आजकल न्यूज़ में है। जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है वेस्ट बंगाल में, उसने अप्रूवल दे दिया है वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से रिस्टोर करने के लिए। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, वेस्ट बंगाल वांट्स अपर हाउस बैक। अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। जो इंडिया का सिस्टम है लेजिस्लेचर का, उसमें हम जानते हैं कि बाइकैमरल सिस्टम होता है, पर स्टेट में ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो बाइकैमरल सिस्टम रखना चाहती है या नहीं। और जो अपर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं और इसे हिंदी में विधान परिषद भी बोलते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी होती है, ये डिसॉल्व नहीं होती, कुछ कंडीशंस होती हैं। और ये क्यों डिसॉल्व नहीं होती, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। जबकि हम जानते हैं कि एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। अब जो 1919 में जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, उसके तहत बाइकैमरल सिस्टम लाया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में इसे सेटअप किया गया था, जो कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर आई थी। और 1937 में सबसे पहली बार बंगाल प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 169 की। इसका ये कहना है कि जो हमारे देश का पार्लियामेंट है, वो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकता है अगर वहां पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और उसे एबॉलिश कर सकता है अगर वहां पे पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल है बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। और इसके लिए एक शर्त ये होती है कि जिस स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैटर है, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है कि जब इस बिल के लिए वोटिंग हो रही हो, तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा प्रेजेंट हूं और वो वहां पे मेजोरिटी के साथ पास हो जाए। अब दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 171। इसमें ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में अगर बनानी है, तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 40 हो सकती है। अगर किसी स्टेट में 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स 40 से कम हैं, तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बन सकती। अब देखते हैं रोल जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। जो मेन पर्पस लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का है, वो है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली पे चेक्स और बैलेंस बना करके रखे। इसकी मेन जो 3 पावर्स होती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, इसमें होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली नॉन फाइनेंशियल जो बिल पास करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस पे बहस हो सकती है और अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल भेज सकती है, या तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है या सिंपली पास कर सकती है। एक बार भेजने पे लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे उस बिल को 3 महीने तक रख सकती है, और दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली से भेजे जाने पर वो उसे 1 महीने तक रख सकती है। 1 महीने तक रखने के बाद वो अपने आप में वो बिल पास माना जाएगा। और फाइनेंशियल अगर बिल की बात करें, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम 14 डेज तक उसे अपने पास रख सकती है। और जो थर्ड है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, इसमें जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनसे क्वेश्चंस रख सकती है और जो उनके कमेंट्स हैं या जो उनके बिल है उस पे अपना पक्ष भी लेजिस्लेटिव काउंसिल रख सकता है। और मैक्सिमम जो एक नॉन फाइनेंशियल नॉन मनी
मनी बिल है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 मंथ्स तक होल्ड कर सकता है। अब ये देख लेते हैं जो स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। इसमें जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन 2019 में जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां की एबॉलिश हो गई, और आंध्र प्रदेश ने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपने एबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट के लिए भेजा है, लेकिन वो बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है। इसका भी एक पॉलिटिकल रीजन है, इसके लिए आप यूट्यूब पे कई वीडियो पढ़ी हैं वो देख सकते हैं। और इन्हें याद करने का तरीका ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर देखें तो वो पड़ोसी राज्य हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये अपने पड़ोसी राज्य हैं, तो इसकी मदद से आप याद कर सकते हैं, आप मैप में भी इन्हें देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, आंध्र प्रदेश में एमएलसी सीट्स जो है 58, बिहार में भी 58, कर्नाटका में 75, महाराष्ट्र 78, तेलंगाना 40 और यूपी में 100 है। अब ये देख लेते हैं जैसे कि राज्यसभा में होता है कि जो राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट बॉडी होती है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं उसका 1/3 स्ट्रेंथ हर 2 साल में री इलेक्ट या होता रहता है, और पुराने जो मेंबर हैं वो हटते जाते हैं, इस वजह से ये हमेशा चलती रहती है। लेजिस्लेटिव असेंबली इसे एबॉलिश कर सकती है, जो कि आपने 169 में आर्टिकल 169 में अभी ही देखा है। और अब देख लेते हैं कि जो कॉम्पोजिशन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो कैसे होता है। तो जो 1/12 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्हें ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और 1/12 को टीचर्स इलेक्ट करते हैं, और 1/3 जो स्ट्रेंथ होती है उसे लोकल अथॉरिटी इलेक्ट करती है, बाकी जो 1/3 स्ट्रेंथ है टोटल स्ट्रेंथ की उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग बचते हैं 1/6 उसे गवर्नर नॉमिनेशन के थ्रू इलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई इकोनॉमिस्ट हुआ, या कोई टीचर, प्रोफेसर, या कोई भी मेंबर जिसे गवर्नर इलेक्ट करना चाहें नॉमिनेट करके उसे भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और राज्यसभा से ये थोड़ा डिफरेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरीके से पड़ जाती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखती है। अब देख लेते हैं कि क्यों वेस्ट बंगाल कि जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने स्टेट में चाहती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कि अगर कोई स्टेट बड़ा है तो उसमें ज्यादा मेंबर्स अपनी राय देंगे तो वो स्टेट के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो इश्यूज हैं यहाँ पे जो जिसकी वजह से बंगाल गवर्नमेंट चाहती है वो है कि उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये मैटर था, और 1969 से पहले तक वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसे लेफ्ट पार्टीज की कोएलिशन गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया था, और इसकी मदद से जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है या जो अपना इलेक्शन हार गए हैं वो फिर से स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, वो इलेक्शन हार गई हैं, तो उनके पास दो रास्ते हैं अब, कि या वो बाईपोल के साथ जाए या वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू भी जा सकती हैं अगर वो उसे परमिशन मिल जाती है पार्लियामेंट से। हालांकि ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक उसे होल्ड कर सकती है, क्योंकि 2010 में भी असम गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव गया था कि वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, और 2012 में राजस्थान से गया था जो कि अभी राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है केस, और इसलिए तो बेहतर यही होगा कि ममता बनर्जी जी बाई पोल के थ्रू जाएं। और इसका एक एडवांटेज बहुत अच्छा ये है कि जो प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं, साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो कि इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं रखते कि वो उतना कैंपेनिंग नहीं कर सकते, उतना पैसा इन सब चीजों पे नहीं खर्च कर सकते,
लेकिन उनकी राय स्टेट के लिए अहम है, वो भी एक इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकते हैं। ये कुछ फायदेमंद चीजें हैं जो एक बड़े राज्य को फायदा देती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अननेसेसरी है और ये एक बर्डन है स्टेट बजट पर, और ये कई मामलों में ये जो बिल होते हैं उनको पास होने से भी रोक देती है। करीब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है किसी बिल को, तो उस तरीके के बिल को ये रोक देती है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से जो डिफीटेड लीडर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह भी बन सकते हैं। तो इसको थोड़ा इस मामले में अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म भी लेजिस्लेटिव काउंसिल फेस करती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हुए होंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।